की तरफ से बहुत सारी अपडेट कंटिन्यू आ रही हैं। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जिसमें कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए फ्लैग पोलिंग की ऑप्शन को बंद कर दिया है और इस अपडेट को इमीडिएट उन्होंने इंप्लीमेंट भी कर दिया है। यानी कि अगर आप कनाडा में हैं, आप अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं या किसी नए परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप फ्लैग पोलिंग की ऑप्शन नहीं ले सकते। ऑनलाइन सर्विस के साथ आपको जाना पड़ेगा जिसमें आपको प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल से ज़्यादा लगेगा। बड़ी अपडेट है, इस वीडियो को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरी अपडेट के बारे में और हर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए फ्लैग पोलिंग की ऑप्शन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बंद कर दी है। यानी कि अगर आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप बॉर्डर पर जाकर इमीडिएट अपना स्टेटस चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज लेनी पड़ेगी जिसमें प्रोसेसिंग टाइम का बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते थे तो आपका बहुत कम प्रोसेसिंग टाइम होता था, विद इन 10 to 15 days में मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाता था। ऑनलाइन में 90 days यानी कि 2 से 3 months तक का समय लग जाता है। मगर इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न रहा कि ये क्यों बंद किया गया, क्योंकि बहुत पॉपुलर था उन सभी जो भी टेम्परेरी रेजिडेंस थे सभी के लिए ये बहुत पॉपुलर था। अगर आपने लीमिया के लिए वर्क परमिट अप्लाई किया है, लीमिया मिल गया, आप कनाडा में हैं, वर्क परमिट में जाना चाहते हैं तो भी आप बॉर्डर पे चले जाते थे। विजिटर वीज़ा के बाद अगर आपने स्टेटस चेंज किया, स्टडी परमिट ले लिया है, वर्क परमिट ले लिया है तो भी आप बॉर्डर पर चले जाते थे। तो ये बहुत पॉपुलर था सभी के बीच में। मगर इसके रीज़न के कारण ये सबसे बड़ा रीज़न है क्यों बंद किया गया, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था। जो भी पोर्ट थे वहाँ पर इन सभी को हैंडल करने में काफ़ी जो वहाँ का स्टाफ है वो बिजी रहने लगा, इसी के लिए इसको बंद कर दिया। अभी ऑनलाइन की ऑप्शन आपके पास रहेगी, ऐसा नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट बंद कर दिया। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट क्लोज्ड, ऐसा नहीं है। आपने अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन जो सर्विसेज है उसके थ्रू करना है, ऑफलाइन की सर्विस आपके लिए बंद हो चुकी है। इसमें क्या क्या होता था, आपका परमानेंट रेजिडेंसी का जो स्टेटस था उसको वेरीफाई होता था, रिन्यू होते थे परमिट, यानी कि आपका परमिट एक्सपायर होने वाला उसको रिन्यू करना है। जब ट्रेनिंग न्यू वर्क परमिट और स्टडी परमिट, आपने न्यू स्टडी परमिट विजिटर वीज़ा से या टूरिस्ट वीज़ा से कन्वर्ट करवाना है, फिर चाहे वो स्टडी परमिट है चाहे वो वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है, या एक्सटेंडिंग टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटस, आपका जो टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटस है उसको एक्सटेंड करवाना है, तो ये सारी सर्विसेज आपको पोर्ट पे मिल जाती थी जिनको अभी इन्होंने बंद कर दिया है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही दिया गया कि जो फ्लो था वहाँ पर पोर्ट पे जो काम थे वो बहुत स्लो हो चुके थे, इसके लिए वो चाहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन आप अप्लाई करें और ऑनलाइन ही आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस किया जाए। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट पे इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मगर कनाडा में अगर आप अपना सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, जिस दिन आपने अप्लाई कर लिया स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको 3 months मिलते हैं, यानी कि 90 days में आपने अप्लाई करना होता है। 90 days में जब आप अप्लाई कर देंगे, ऑथोराइजेशन लेटर आने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी राहत की बात है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, ऑथोराइजेशन लेटर आपके पास आ चुका है तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने रिजल्ट की वेट करने की प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इस पूरी अपडेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा, इसको नॉर्मल अपडेट के रिगार्डिंग लीजिए कि उनके पास ऑफलाइन इतना जो ट्रैफिक था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था और अभी वो चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप सभी ने अगर अभी तक आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।